और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलवार को धर्मनगरी हरिद्वार स्थित यहाँ पर श्री जयराम आश्रम के यहाँ पर पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज का यहाँ पर जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जयराम आश्रम यहाँ पर आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए हरियाणा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा और साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने महाराज ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी को यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, राजस्थान की कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय पालीवाल, बीजेपी के जिला महामंत्री विकास तिवारी, साधु संतों के साथ यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिन्होंने इतने विशाल आश्रमों का निर्माण किया, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया, अन्य क्षेत्र का निर्माण किया, जो हरिद्वारी ने हमारे लिए, हरियाणा वासियों के लिए हरियाणा का गौरव है, आज उनका जन्म उत्सव है, उसके लिए हम हरियाणा से, मैं कुलदीप शर्मा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए और उनके जन्मोत्सव। जन्मदिन पे मेरा संकल्प ये है कि मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्री देवेंद्रेश्वर ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने मुझे 1986 में दीक्षा दी थी, उस समय यही कहा था कि मुझे पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित रहना है। मैं अपने ट्रस्टी श्री रामलाल गोयल जी, संजय सिंगला जी आदि सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, इनके सामने आज चर्चा थी कि महाराज श्री जितने बसंत गुजर गए समाज की सेवा में, हमें ये कोशिश हमारी अब रहेगी कि जितने बसंत बाकी हैं वो भी समाज की निस्वार्थ सेवा करने में हमें व्यतीत करने हैं। आज का मेरा जन्मदिन पुणे समाज की सेवा के लिए समर्पित है।